नमस्कार। तो आज शायद चाइना के लिए इतना अच्छा दिन नहीं था। एक तरफ तो लद्दाख में एक चीनी सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके भारत की जमीन पर आ गए और उनको एकदम भारत की सेना ने पकड़ लिया है। अब ये बात स्पष्ट नहीं है कि वो जासूसी करने के लिए यहाँ आए थे, क्या गलती से भटक गए, रास्ता भूल गए और भारत की सरजमीन में पहुंच गए। पर जो भी हो, भारत की सेना ने उनको पकड़ लिया है, भारतीय सेना ने, और अब उनको गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं, खाना दिया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है और फिर कहा जा रहा है कि कुछ तहकीकात के बाद उनको फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार भेज दिया जाएगा। पर चाइना के लिए बुरी खबर ये नहीं थी, बुरी खबर ये है कि जो बे ऑफ बंगाल में मालाबार एक्सरसाइजेस होते हैं, ये नेवल एक्सरसाइजेस होते हैं, उसमें भारत ने अब ऑस्ट्रेलिया को भी न्योता दे दिया है कि आप भी आइए, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक काफी बड़ा कदम क्यों है। अगर आप देखेंगे कि चीन के खिलाफ कौन कौन से देश खड़े हैं, अगर भारत एक तरफ से खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, उस तरफ जापान की कई समस्याएं दिक्कतें हैं चीन को लेकर, और अमेरिका तो चीन से लड़ता ही रहता है, हर एक देश अगर एक अकेला चीन के सामने खड़ा हो जाए तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो काफी दिनों से बात चल रही है कि भाई क्वाड होना चाहिए, चार देश, बड़े देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, एक साथ क्यों नहीं चीन के सामने खड़े हो जाते हैं। और ये कई कई सालों से ये बात चल रही है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस हैं, इसमें भारत, अमेरिका और जापान तो भाग देते हैं, उनकी नौसेना भाग देती है, कई बार ये एक्सरसाइजेस होते रहते हैं। तो कई बार कहा गया है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी न्योता देना चाहिए, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। पर काफी बार भारत की सरकार ने अब तक भारत की तरफ से काफी संकोच हुआ है, क्योंकि भारत को लगा है कि शायद चीन से नाखुश हो, चीन गुस्सा हो सकता है, पता नहीं क्या होगा अगर हम ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करेंगे। पर अब लगता है कि जो भी संकोच है उसको एक तरफ कर दिया गया है और भारत ने फैसला किया है कि देखिए, अगर चीन को परवाह नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, देखिए उन्होंने लद्दाख में क्या किया है, तो हमको क्यों बार बार यही सोचना चाहिए कि भाई चीन को कैसा लगेगा। इसलिए संकोच को एक तरफ कर दिया गया है और अब वो जो मालाबार एक्सरसाइजेस होंगे उसमें चार देश शामिल होंगे, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, अमेरिका भी और भारत भी। और इससे एक काफी स्पष्ट संदेश अब चीन की तरफ जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं गलत है, और अगर आप ये सब करना बंद नहीं करेंगे तो चार देश, क्या ऐसा भी दिन आ सकता है जब पांच देश, छह देश, दस देश, पचास देश, पता नहीं कितने देश आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कोई भी ज्यादा खुश नहीं है। चलिए, ये रही चीन की बात, अब देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारत को ऑस्ट्रेलिया के रूप में एक नया साथी मिला है। इस साल के आखिर में मालाबार में होने वाले नौसेना युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। इसके लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक निमंत्रण भी भेजा है। नवंबर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चारों देश अपनी नेवी के साथ इस युद्धाभ्यास में शरीक होंगे। साल 1992 में भारत और अमेरिका के बीच इसे शुरू किया गया था, फिर साल 2015 में जापान और अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए हैं। चीन को लगता है कि ये युद्धाभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। भारत चीन के मध्य कायम सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना की ओर से एक चीनी सैनिक के पकड़े जाने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैनिक को लद्दाख के चुमार डेमचोक इलाके से पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार ऐसा संभव है कि ये सैनिक गलती से भारतीय सीमा में घुस आया हो, लिहाजा उससे पूरी जानकारी ली जा रही है। इसके बाद प्रक्रिया का पूरा पालन होने पर स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार इसे चीनी सेना को वापस लौटा दिया जाएगा। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर की एक बड़ी गड़बड़ी ने बवाल खड़ा कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट नितिन गोखले ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से शिकायत करते हुए ट्वीट किया कि लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान ट्विटर जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा बता रहा था। इसके बाद कई और यूजर्स ने भी ये शिकायत की और स्क्रीनशॉट शेयर किया। हालांकि बवाल बढ़ने पर ट्विटर ने सफाई देते हुए इसे तकनीकी खामी बताया और कहा कि इसे ठीक कर लिया गया है। बता दें ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2012 में भी शिकायत आई थी कि ट्विटर जम्मू कश्मीर को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट बता रहा था, तब भी कंपनी ने इसे टेक्निकल इश्यू बताया था।
देश भर में विरोध प्रदर्शनों की वजह बने सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी सीएए को मोदी सरकार जल्द लागू करेगी, ऐसा कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। सोमवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को बहुत जल्द लागू किया जाएगा। कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई, लेकिन धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं और हम जल्द ही इसे लागू करेंगे। इस कानून में तीन पड़ोसी देशों से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जिसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बड़ी बात कही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अगले साल फरवरी तक कोरोना के एक्टिव केस घटकर 40,000 रह जाएंगे। हर्षवर्धन ने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दुनिया भर के वैज्ञानिकों से कोविड के मामलों का प्रिडिक्शन मॉडल तैयार करवा रही है। उसी रिसर्च में ये सामने आया है कि भारत में कोविड के मामलों में अगले 3-4 महीने तक लगातार कमी आएगी और फरवरी तक एक्टिव केस 40,000 ही रह जाएंगे। अगले 3-4 महीनों में देश के लोगों ने जो सावधानी बरतने का काम है वो ठीक प्रकार से किया, तो चाहे सर्दी आएगी तो भी और चाहे फेस्टिवल्स आएंगे तो भी, हमारे भारत में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो गया है वो आने वाली फरवरी तक काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होगा। और शायद अगर जहाँ तक मैंने उस रिपोर्ट के बारे में देखा पढ़ा है, वो उन्होंने कहा कि उस समय फरवरी में शायद देश भर में 40,000 के करीब एक्टिव केसेस रह जाएंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि पंडालों के अंदर सिर्फ आयोजकों को रहने की इजाजत होगी और दर्शन करने वालों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं बड़े पंडालों के लिए आयोजकों की तादाद 25 और छोटे पंडालों के लिए 15 तय की गई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी बड़े पंडालों को 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे, जबकि छोटे पंडालों के लिए बैरिकेड की दूरी 5 मीटर तय कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर पंडालों में काफी भीड़ रहती है। कोरोना के वक्त इस फैसले को अब खासा अहम माना जा रहा है। सोमवार से शुरू हुए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज खासा हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ अकाली दल ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक काला कुर्ता पहनकर सदन में पहुंचे। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि अमरिंदर सरकार कृषि कानूनों पर किसानों के साथ छलावा कर रही है और इनके इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ साठ गांठ हो गई है। ऐसे ही आरोप आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लगाए और कहा कि वो कृषि कानूनों पर पंजाब और केंद्र सरकार की मिलीभगत को जनता के सामने लाकर रहेंगे। पंजाब सरकार ने केंद्र के पास के कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। एक महिला मंत्री को आइटम कहे जाने के अपने बयान के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस पर सफाई दी है। कमलनाथ ने कहा है कि हाँ, मैंने आइटम कहा क्योंकि यह कोई असम्मानजनक शब्द नहीं है। मैं भी आइटम हूँ, आप भी आइटम हैं और इस अर्थ में हम सभी आइटम हैं। अपनी सफाई में कमलनाथ ने आगे जोड़ा कि लोकसभा और विधानसभा में कार्य सूची को आइटम नंबर लिखा जाता है, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी आइटम नंबर लिखा जाता है, तो क्या यह असम्मानजनक है? मध्य प्रदेश की जनता जब खून के घूंट पी रही है तो उससे आंसू पोंछने की बजाय बीजेपी मेरे कोक पीने का मुद्दा क्यों बना रही है? मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के बाद से गिरना शुरू हुआ नेताओं के बयानों का स्तर अब रसातल में जाता नजर आ रहा है। कल तक मंत्री इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी सुर्खियों में थी, तो सोमवार को इस पर किया गया इमरती देवी का पलटवार खबरें बटोरने लगा। पत्रकारों से बात करते हुए इमरती देवी ने भी मर्यादा की सीमा का ख्याल नहीं रखा और बोली कि कमलनाथ बंगाल से हैं और क्या उनकी माँ बहन बंगाल की आइटम हैं? इमरती बोली कि कुर्सी गंवाने के बाद कमलनाथ पगला गए हैं। गुपकार समझौते के साथ सक्रिय राजनीति में फिर से उतरे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर ईडी ने शिकंजा कसा है। सुबह 11:30 बजे ईडी के श्रीनगर स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे। ये मामला साल 2012 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करीब 113 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा है। बीसीसीआई ने अप्रैल 2002 से दिसंबर 2011 के दौरान जेकेसीए को ये रकम ट्रांसफर की थी। इसके बाद साल 2017 में हाईकोर्ट ने इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंपते हुए कहा था कि पुलिस की जाँच में तेजी और विश्वसनीयता का अभाव है। इसी मामले में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला से साल 2019 में भी पूछताछ की थी। हालांकि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद फारूक को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। स-
फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी ने कहा है कि ईडी का लेटर गुपकर घोषणा पत्र की वजह से आया है और साफ है कि कश्मीर में पीपल्स अलायंस के गठन के बाद सरकार ने राजनीतिक बदले के इरादे से ये किया है। पार्टी के मुताबिक केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल नए सियासी गठबंधन से लड़ने के लिए कर रही है। फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर इसे पीपल्स अलायंस के गठन के बाद की जा रही प्रतिशोध की राजनीति कहा है। पूरा मामला 2012 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करीब 113 करोड़ रुपए के गबन से जुड़ा हुआ है। We have a long political battle. That battle will continue. Whether Farooq Abdullah is alive or Farooq Abdullah is dead. Sir, do you think that? Our fight is for restoration of 370 and 835. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एलजेपी के चिराग पासवान का पक्ष लिया है। चिराग की तरफदारी और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी बोले कि नीतीश ने चिराग के साथ अन्याय किया है और बिहार की जनता इसको देख रही है। तेजस्वी ने कहा, यही समय था जब चिराग को रामविलास पासवान जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफी की। कहा जाता है कि चुनावी रैलियों में सबसे तीखे आरोप सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। औरंगाबाद और गया चुनावी सभाओं में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर कहा कि जब पति जेल गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन फिर भी महिलाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। नीतीश बोले कि पति पत्नी के राज में क्या होता था सबको मालूम है। इस मौके पर नीतीश ने अपनी सरकार की खूबियां भी खूब गिनवाई। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार नए नए प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार ने अब रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया है। सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके तहत 100 ऐसे चौराहों पर मार्शल तैनात किए जाएंगे जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। ये सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मार्शल गाड़ी बंद नहीं करने वालों को गुलाब का फूल देकर गाड़ी बंद करने की अपील करेंगे। भारत में लोगों की नजरें लगातार कमजोर हो रही हैं और पिछले 30 सालों में ऐसे लोगों की तादाद दुगनी हुई है। साल 1990 में देश के 4 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी आंखें कमजोर थी, लेकिन अब 13 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आंखें पास की चीजों पर फोकस कर पाने की क्षमता भी नहीं रख पाती हैं। ये दावा 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने किया है, विजन लॉस एक्सपर्ट ग्रुप और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की ओर से ये स्टडी की गई है। स्टडी कहती है कि डायबिटीज के मरीजों में भी नेत्रहीनता की शिकायतों में इजाफा हुआ है।